दीपमाला स्मॉल किचन, मेरी किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आ गई हूँ एक नई रेसिपी लेकर। आज मैं बनाऊंगी अंडे के साथ फूलगोभी और आलू की सब्जी, और दाल का जो बड़ा है वो भी फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल दे दिया है। मैंने 5 अंडे को एक साथ बॉईल कर लिया है। अब मैं अंडे को फ्राई में हम दे देंगे थोड़ा सा नमक, हल्दी का पाउडर करके अंडे को दे दूंगी। अंडे को मैंने बीच से थोड़ा सा कट दे दिया है। अंडे को अच्छी तरह हम फ्राई कर लेंगे। हमारा अंडा फ्राई हो गया है, अब मैं इसको निकाल लूंगी। अब मैं इसी तेल में फूलगोभी को फ्राई कर लूंगी। फूलगोभी को मैंने नमक वाले पानी में थोड़ा सा बॉईल कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, फूलगोभी भी हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लूंगी। मैं और थोड़ा सा यहाँ पर तेल डाल दूंगी दाल के बड़ी को फ्राई करने के लिए। थोड़ा सा नमक, हल्दी का पाउडर। यहाँ पर मैं दे दूंगी बड़ी। देखिए फ्रेंड्स, बड़ी को मैंने फ्राई करके निकाल दिया है। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई पे तेल दे दिया है, थोड़ा सा जीरा और 2 सूखी मिर्च, 3 तेज पत्ता। अब मैं यहाँ पर दे दूंगी 1 बारीक प्याज कटा हुआ। तो अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। प्याज को फ्राई करने के बाद 2-3 मिनट, अब मैं यहाँ पर नई आलू दे दूंगी। ये विंटर का सीजन है, अब नई आलू निकलता है बाजार में, इसीलिए मैंने इसको छीलते समय भी दे दिया। आलू को भी हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, नमक, मैंने 2-3 मिनट फ्राई कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक मसाला डालूंगी। यहाँ पर मैंने 1 लहसुन, 1/2 इंच अदरक, हरी मिर्च, लाल मिर्च और थोड़ा सा साबुत जीरा देके एक साथ ब्लेंड कर लिया है। इस मसाले को हम बहुत अच्छी तरह पका लेंगे। अब मैं यहाँ पर ग्राइंडर को धो के थोड़ा सा पानी दे दूंगी। मसाले को हम बहुत अच्छी तरह भून लेंगे। अब मैं यहाँ पर दे दूंगी स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर। अच्छी तरह इसको मिला दूंगी। इसको मैं और 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम में भून लूंगी, ताकि अदरक और लहसुन का जो स्मेल है वो चला जाए, रॉ स्मेल। देखिए 5 से 6 मिनट बाद देखिए इसमें मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पर फ्राई किया हुआ जो फूलगोभी, अंडा और बड़ा है वो दे दूंगी। अच्छे से मसाले के साथ इस सब चीजों के साथ मिला लूंगी। दो तीन मिनट बाद मैं यहाँ पर पानी डाल लूंगी। मैं यहाँ पर नॉर्मल पानी ही डालूंगी।
5-6 मिनट तक बॉईल कर लेंगे, उसके बाद हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अंडा करी एकदम रेडी हो गया है। आज के किचन में इतना ही। बाय बाय।